वेलकम टू माय चैनल नेहा डिजाइन। सो मैं आपकी दोस्त नेहा अनवी। आज हम आपके लेकर आए एक सुंदर सी ड्रेस। ये ड्रेस हमने बनाई है 5 से 6 साल के बच्चे के लिए और इसको बनाने के लिए हमारा 1.5 मीटर फैब्रिक यूज हुआ है। तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो हमारी जो फ्रॉक का पीस है उसकी कटिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले कट करेंगे टॉप पार्ट। तो टॉप पार्ट का ये हमारा पीस है और इसका हमारा मेजरमेंट है, देखिए यहाँ से लेंथ हमने रखी इसकी यहाँ से 10.5 इंच पर और विड है हमारी यहाँ से इसकी 17.5 इंच पर और सेम मेजरमेंट में दो पीस हमने कट किए हुए हैं। तो चलिए इनकी मार्किंग जो है वो शुरू करेंगे। यहाँ से हम दोनों पीस को देखिए एक साथ इस तरीके से इनको फोल्ड कर देंगे और अब इसका मार्किंग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे यहाँ से शोल्डर का। तो शोल्डर होंगे हमारे यहाँ से 5.2 इंच पर हमारे शोल्डर का मार्क होगा और यहाँ से लेंगे आर्म सोल का। तो आर्म सोल का हमारा लेंथ होगी यहाँ से 5.2 इंच पर हमारे आर्म सोल की लेंथ होगी और चेस्ट का मार्क रखेंगे यहाँ से हम इसका 6.5 इंच पर और मार्क देखिए यहाँ से कमर का मार्क रखेंगे हम 6 इंच पर। नेक की हमारी जो मार्किंग है वो हम रखेंगे यहाँ से 2 इंच पर। हमारी नेक की विड होगी और लेंथ हम लेंगे यहाँ से इसकी जो हमारा फ्रंट वाला नेक है 3.2 इंच पर। ये हमारा फ्रंट वाला नेक है और बैक साइड का नेक होगा इसकी हम लेंथ रखेंगे यहाँ से 2.5 इंच पर। इस तरीके से यहाँ से हमारी जो मार्किंग है वो हो गई है और अब करेंगे इसकी कटिंग। टॉप है, टॉप की कटिंग हमारी हो गई है और ये यहां से लेंगे बैक साइड वाला पीस और इस पे देखिए यहां पर लगाएंगे इस तरीके से कट। इस कट को लगा के हमें तैयार करना है। तो ये हमारे टॉप की कटिंग है जो हो गई है और अब कट करेंगे हम स्लीव्स। तो यहां से टॉप को रखेंगे साइड पे और स्लीव्स की कटिंग शुरू करेंगे। स्लीव्स के लिए हमने ये वाला पीस लिया है और इसका हमारा मेजरमेंट है यहां से लेंथ हमने रखी है इसकी 8 इंच पर और विड है हमारी यहाँ से इसकी 13 इंच हमारी विड है और सेम मेजरमेंट में दो पीस हमने कट किए हैं। तो चलिए अब इनको फोल्ड करेंगे। सबसे पहले इनको हम देखें यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और अब इसकी मार्किंग शुरू करेंगे। तो यहाँ से हमारे जो आर्म सोल है आर्म सोल का मार्क होगा हमारा 5.2 इंच पर। और यहाँ से हमारी जो मोरी है मोरी हम रखेंगे 3.6 इंच पर। देखिए यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स है स्लीव्स की हमारी कटिंग हो गई है और स्लीव्स में हम ऐड करेंगे फ्रिल का। तो फ्रिल के लिए हमने ये वाला पीस लिया है और इनका हमारा मेजरमेंट है देखिए यहाँ से लेंथ हमने रखी है 5.5 इंच पर और विड है हमारे यहाँ से 21 इंच हमारी विड है और सेम मेजरमेंट में दो पीस हमने कट किए हुए हैं। तो चलिए अब यहाँ से हमारे जो फ्रॉक है उसकी हमारे यहाँ तक कटिंग हो गई है। इसके बाद लेंगे बॉटम पीस। ये हमारा बॉटम पीस है और इसका मेजरमेंट है हमारा यहाँ से देखिए लेंथ है हमारे यहाँ से 12.5 इंच पर और विड हमने रखी है यहाँ से इसकी 34 इंच हमारी विड है और सेम मेजरमेंट में दो पीस हमने यहाँ पर कट किए हुए हैं। तो चलिए हमारी जो फ्रॉक है इसकी कटिंग हमारी हो गई है। तो अब करेंगे इसकी स्टिचिंग। सबसे
सबसे पहले हम तैयार करेंगे फ्रॉक का टॉप वाला पार्ट। तो यहाँ से हमारा जो फ्रंट वाला पीस है हम ये लेंगे, और ये जो फ्रंट वाला पीस है इसको हमें इस तरीके से यहाँ पर कट लगाएंगे। तो इस तरीके से नेक हमारा जो तैयार होगा, तो नेक तैयार करने के लिए हमारा जो बचा हुआ पीस है हम उनका यूज करेंगे। इसको रखेंगे देखिए नेक के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर लगाएंगे एक सिलाई। देखिए यहाँ पर हमने इस पर सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है, और अब करेंगे इसकी कटिंग। कटिंग करने के बाद अब यहाँ से इसको हम पलट लेंगे, और पलटने के बाद अब यहाँ के करेंगे, अब यहाँ से करेंगे हम इसकी कटिंग। देखिए इसको कटिंग करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ से इसको हम करेंगे रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड। इस तरीके से इसको रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। देखिए हमारा जो नेक है, नेक हमने तैयार कर दिया है यहाँ तक, और इसके बाद अब लेंगे हम लेस। तो ये जो हमारी लेस है, इस लेस को रखेंगे नेक के ऊपर इस तरीके से, और लेस को लगाकर यहाँ पर इसके साथ में सिलकर इसको तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने लेस लगाकर इसको तैयार कर दिया है, और इसके बाद लेंगे हम अपना बॉटम पीस। इसके बाद हम अपना एक बॉटम पीस लेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक साइड पे यहाँ पर लगाएंगे हम एक सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है, और अब यहाँ से हम एक धागा लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ से हमारा जो पीस, हमारा जो बॉटम पार्ट था इसको हमने टॉप पार्ट के बिल्कुल इक्वल कर दिया है, और अब यहाँ से इन दोनों पीस को मिला लेंगे देखिए इस तरीके से, और यहाँ से इन दोनों को मिलाकर लगाएंगे इसके ऊपर एक सिलाई। हमारा जो बॉटम पार्ट था, बॉटम पार्ट इसके साथ हमने ऐड कर दिया है, और इसको ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम लेंगे लेस। हम ये लेस लेंगे, और इस लेस को हमें यहाँ पर देखिए हमारा जो बॉटम पीस है यहाँ पर लगाकर इसको तैयार करना है। देखिए यहाँ पर हमने लेस लगाकर इसको तैयार कर दिया है, और लेस लगाने के बाद अब यहाँ से हमारा जो बॉटम पीस है, देखिए हमें क्या करना है, इस बॉटम पीस को लेंगे, और इसको देखिए यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके इसको तैयार करेंगे। बॉटम पार्ट को हमने यहाँ से फोल्ड कर दिया है, और बॉटम पार्ट को फोल्ड करने के बाद अब बॉटम पार्ट पे भी हम लेस का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से लेस को रखेंगे, और बॉटम पास पे बॉटम हमारा जो पीस है इस पे लगाकर इसको तैयार करेंगे। देखिए हमारा जो फ्रंट वाला पीस है यहाँ तक बनकर तैयार है, और इसके बाद अब लेंगे अपना बैक साइड का पीस। तो जो हमारा बैक वाला पीस है इसको भी हमने सेम तरीके से तैयार कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से दोनों पीस को मिला लेंगे इस तरीके से, और दोनों पीस को मिलाने के बाद शोल्डर सिलकर तैयार करेंगे, और यहाँ पर लगाएंगे इसके ऊपर फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। तो देखिए दोनों साइड पे हमने फिटिंग की सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है, और इसके बाद हम तैयार करेंगे अपनी स्लीव। तो अभी फ्रॉक को रखेंगे साइड पर, और देखिए यहाँ से हम अपनी स्लीव्स लेंगे। तो स्लीव्स को हमें कैसे तैयार करना है, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से इसमें कट लगाया है। इस तरीके से हम अपने स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ये जो हमारा बचा हुआ पीस है, साइड से बचे हुए हैं, एक पीस को हटा देंगे, और यहाँ पर देखिए इसको रखेंगे, और इसके ऊपर लगाएंगे अब एक सिलाई। देखिए यहाँ पर इसको हमने सिलकर तैयार कर दिया है, अब करेंगे इसकी कटिंग।
के बाद यहाँ से इसको पलट लेंगे और यहाँ पर मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर देंगे। और इसको कट करने के बाद इसको करेंगे हम रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। देखिए यहाँ से हमने इसको पाइपिंग करके इसको तैयार कर दिया है। और इसके बाद लेंगे हमने जो फ्रिल कट किए थे अपनी फ्रिल लेंगे। देखिए अपनी फ्रिल लेंगे और जिस तरीके से हमने अपना बॉटम पार्ट टॉप पार्ट साथ में अटैच किया था सेम तरीके से इसको भी हम यहाँ पर एक सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने एक सिलाई लगाकर इसको तैयार कर दिया है और अब यहाँ से एक धागा लेंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारे बिल्कुल इसके इक्वल है और अब यहाँ से दोनों पीस को मिलाएंगे और इन दोनों को सिलकर तैयार कर देंगे इस तरीके से। यहाँ से इसको ऐड करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब लेंगे यहाँ से स्लीव्स की मोहरी लेंगे और इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ से हमारे जो स्लीव्स है स्लीव्स हमारी तैयार है और इसके बाद अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से हम स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद लेंगे अब अपनी फ्रॉक लेंगे हम यहाँ से। और यहाँ से इसको देखिए इस तरीके से नाप लेंगे और इसको नापने के बाद अब यहाँ पर लगाएंगे हम सिलाई। देखिए यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद अब इसको पलट लेंगे। और अब डालेंगे इसको आर्म होल के अंदर। देखिए यहाँ से आर्म होल के अंदर डालेंगे और ये जो हमारा जॉइंट है जॉइंट से इसको मिला लेंगे इस तरीके से और अब यहाँ से इनको सिलकर तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों हमारी जो ड्रेस है बनकर तैयार है और इसके साथ में आप धोती शलवार बना सकते हैं। धोती शलवार का जो हमारा वीडियो है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कल फिर मिलेंगे हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।